इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। Hey, what's up everybody? This is Aashikan. You're watching Student Kabri. और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कंप्यूटर साइंस विद 100% प्लेसमेंट। यार कहीं ना कहीं सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना है, भले उसकी रैंक 10,000 हो, 1,00,000 हो, 1 हो या फिर 10,00,000 हो। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको ये पता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस लेता हूँ तो मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। और इसी वजह से एक तरह से भीड़ चाल चल रही है कि मुझे भी कंप्यूटर साइंस चाहिए, तुम भी कंप्यूटर साइंस ले लो। तुम क्या ले रहे हो? कंप्यूटर साइंस। मैं क्या ले रहा हूँ? कंप्यूटर साइंस। अरे यार तुम कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं ले रहे हो? एंड इसी की वजह से डिमांड बढ़ गई है और कहीं ना कहीं यू नो, सारे कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ही सीट भर गई है। बट इस वीडियो में मैं आपको, आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। पर मेन चीज़ क्या है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया में, भले वो हम बैंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, एमपी की बात करें, वो कंप्यूटर साइंस कराती हैं मशीन लर्निंग एंड एआई में, जो कि आईबीएम के साथ कराती हैं। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेने वाली हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई मार्केटिंग टैक्टिक अपना रही हूँ या फिर किसी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग कर रही हूँ। मैंने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एनालाइज की बिकॉज आई माइसेल्फ टॉक विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यू नो, हमारे पास डेली इतनी क्वेरीज आती हैं, हमारे काउंसलर्स बात करते हैं और उन सभी में यू नो, हम एक ही चीज़ एनालाइज कर पाते हैं कि यार स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस चाहिए, वो भी ऐसा कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट मिले। उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि यार फैकल्टीज कैसे हैं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है कि रैंकिंग कैसी है, उसको मतलब है यार 100% प्लेसमेंट। तो ये जो यूनिवर्सिटी है जो आईबीएम के साथ करा रही है, इसको आप कंपेयर मत कीजिएगा। मैं ना यहाँ पे एलएनसीटी की बात कर रही हूँ, ना ओरिएंटल की, ना आईपीएस की, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रही हूँ जो मशीन लर्निंग एंड एआई में कंप्यूटर साइंस करा रही है, डेटा साइंस में कंप्यूटर साइंस करा रही है, विद आपको रिटन में दे रही है कि आपको 100% प्लेसमेंट मिले गा। मतलब एक तरह से आपको रिटन में एग्रीमेंट बनेगा जहां पे आपको ये दिया जाएगा एडमिशन के टाइम पे कि वो आपका कहीं ना कहीं प्लेसमेंट करा ही देंगे और जो एवरेज पैकेज रहेगा वो 8 से 10 लाख का रहेगा। अब ये क्यों रहेगा? क्योंकि अगर हम मशीन लर्निंग एआई की बात करें, मैंने इस पे वीडियोस भी बनाए थे जहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सही फैकल्टी, सही एक्सपोजर मिलता है तो ये ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस से ज्यादा बेहतर है। क्यों ज्यादा बेहतर है? क्योंकि इसकी डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं। जैसे कंप्यूटर साइंस में डिमांड भी है और सप्लाई जो है वो डिमांड से 10 गुना ज्यादा। क्योंकि अगर आप देखो आज से 4 साल बाद कम से कम लाखों स्टूडेंट्स निकलेंगे यू नो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के। वेयर इज अगर आप इन ब्रांचेस के लिए देखोगे तो कंपनीज को लोग चाहिए होते हैं बट उनके पास लोग नहीं है। तो इवन आईबीएम ने भी यही सोच के लिखा कि अगर हम किसी बंदे को हायर करेंगे तो हम उसे ट्रेन करेंगे, तो उससे बेटर क्यों ना यू नो, यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया जाए, कोर्स रन किया जाए और उन स्टूडेंट्स को फिर प्लेसमेंट भी दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हमें भी जरूरत है और हमारे जैसी कई सारी कंपनीज को इन स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, इन स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं जरूरत है। और इसी थॉट प्रोसेस को लेके ये पूरी चीजें डिजाइन की जाती है जहां पे आपको पढ़ाता भी आईबीएम है, आपको ट्रेनिंग भी आईबीएम देता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी आईबीएम देता है और इवन प्लेसमेंट्स में भी असिस्ट आईबीएम आपको करता है। तो अगर आप जानना चाह रहे हो, आप भले किसी भी सिटी, किसी भी स्टेट के हो, आप दिल्ली के हो, आप मुंबई के हो, आप पुणे के हो, आप लाइक बात करो आप यूपी की हो, बिहार के हो, आप सभी के पास ये ऑप्शन है कि अगर आप यू नो, लाइक ऐसा ब्रांच चाह रहे हैं जिसमें 100% प्लेसमेंट हो, बिकॉज यहाँ कोई कॉलेज नहीं करके दे सकता है, ये बहुत कम कॉलेजेस करके देते हैं और ये कॉलेजेस इसलिए करके दे रहे हैं क्योंकि ये कॉलेजेस इसके मेन यू नो, ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर है आईबीएम, ऑपरेटर है टीसीएस। सो आपको इसके लिए कोई भी डिटेल्स चाहिए, नीचे नंबर दिया है, वहां पे आपको फॉर्म का लिंक मिलेगा। अगेन मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है क्योंकि होता क्या है, बहुत क्वेरीज होती है, सबको रीच आउट करना पॉसिबल नहीं, बट अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस विद 100% प्लेसमेंट वाले यू नो, यूनिवर्सिटीज के नाम जानने हैं तो वी कैन शेयर कि आपकी लोकेशन के हिसाब से आप कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, क्या फी स्ट्रक्चर होगा एंड क्या श्योरिटी है कि आपको सही में इतने पैकेजेस मिलेंगे। आप स्टूडेंट से बात करना चाह रहे हो जो इस कोर्स से पास आउट हुए हैं, हाँ अभी कैन इवन शेयर यू दोस नंबर्स, बट फिर से आप ये सोचो कि हम ये मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसी वजह से मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम आपको इस वीडियो में नहीं बताए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये कोई मार्केटिंग वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए है जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस चाहते तो हैं बट उनको एक बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, उनकी रैंक अच्छी नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर जो कॉलेजेस मिल रहा है वहां पर कहीं ना कहीं उतनी प्लेसमेंट्स नहीं है, तो उनके लिए दिस कैन बी समथिंग व्हिच दे कैन डेफिनेटली लुक आउट।
सो यार बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, नीचे व्हाट्सएप करना है और बाकी शेयर कर दो यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज आपके साथ साथ आपके दोस्त भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही ने इन्फ्लुएंस किया है। तू क्या ले रहा है कंप्यूटर साइंस, मैं क्या ले रहा हूँ कंप्यूटर साइंस, और हो क्या रहा है कंप्यूटर साइंस, तो यार उनको शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी वीडियोज के लिए बने रहो स्टूडेंट कंपनी के साथ।